इंदौर का बारे में जरा सा बात करेंगे फॉर द आरटीआई डाटा का बारे में। यहाँ पर देखिए पहले जो है मेल ईडब्ल्यूएस जनरल फीमेल एंड एनसीओबीसी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी का पूरा अलग करके इसका लिस्ट निकल दिया है। वहाँ पर देखिए मेल में देखिए कितना परसेंट फॉर्म फिलअप किया है, 901 दैट इज 1.27%, फीमेल में 815 दैट इज 1.97%, टोटल है 1716 दैट इज परसेंटेज ऑफ फॉर्म फिल्ड इज 1.53%। ओके दैट मीन्स दैट परसेंटेज ऑफ फॉर्म फिल्ड गिव्स द परसेंट ऑफ कैंडिडेट्स हु आर शॉर्टलिस्टेड टू द इंटरव्यू राउंड। ओके सो जितना आपको फॉर्म फिलअप किया है उसका 1.27% मेल और 1.97% फीमेल उसमें शॉर्टलिस्ट हो चुका है, 1716 शॉर्टलिस्ट हो चुका है, टोटल फॉर्म फिलअप ऑफ 1.53। ओके जितना आपको फॉर्म फिलअप किया था उसका 1.53% टोटल में जनरल में शॉर्टलिस्ट हो चुका है, ठीक है ना। और ईडब्ल्यूएस में 3.10% टोटल शॉर्टलिस्ट हो चुका है, एनसीओबीसी में 4.01% टोटल शॉर्टलिस्ट हो चुका है, 6.24% एससी का, 14.18 का एसटी का एंड पीडब्ल्यूडी का 18.82%। ओके तो उसके बाद क्या है ना, और एक तो इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वहाँ पर देखिए, जब आपको कैटेगरी वाइज कॉम्पोजिट स्कोर कट ऑफ दैट इज ओनली फॉर द जनरल इज 67.25, ईडब्ल्यूएस का 59.00, एनसीओबीसी का 58, एससी का 50.68, एसटी का 31.55 एंड पीडब्ल्यूडी का 21.04। एंड द कैटेगरी वाइज हाइस्ट कॉम्पोजिट स्कोर फॉर शॉर्टलिस्टिंग टू इंटरव्यू राउंड दैट इज 81.59, ईडब्ल्यूएस का 75.33, एनसीओबीसी का 75.00, एससी का 74.28, एसटी का 77.85 एंड पीडब्ल्यूडी का 73.65। तो यहाँ पर देखिए कैटेगरी वाइज हाइस्ट कॉम्पोजिट स्कोर एंड स्कोर कट ऑफ मीन्स वेरी कर रहा है कितना है, 81 से 67 में जनरल में, ईडब्ल्यूएस में 75 से 59 में, एनसीओबीसी में 75 टू 58, एससी का 74 टू 50, एसटी का 77 टू 31 एंड पीडब्ल्यूडी का 73 टू 21। ओके कैटेगरी वाइज कॉम्पोजिट स्कोर कट ऑफ फॉर द फाइनल ऑफर ऑफ एडमिशन व्हिच विल बी गिवेन आफ्टर द इंटरव्यू दैट इज 42.70 जनरल का है, ईडब्ल्यूएस का है 39.78, एनसीओबीसी का है 37.16 एंड एस सी का है 31.68, एस टी का है 21.42 एंड पीडब्ल्यूडी का है 17.69। एंड कैटेगरी वाइज हाइस्ट कॉम्पोजिट स्कोर फॉर द फाइनल ऑफर ऑफ एडमिशन व्हेन दे आर गिविंग दैट फाइनल ऑफर ऑफ एडमिशन टू गेट ए क्लास इन योर आई एम इंदौर, तो उसमें जनरल का है 64, ईडब्ल्यूएस का 54.18, एनसीओबीसी का 57, एससी का 58 एंड एसटी का 51, पीडब्ल्यूडी का 55। तो इसमें देखिए कैसे वेरी कर रहा है, जनरल में 64 से 42 वेरी कर रहा है, ईडब्ल्यूएस में 54 से 39 वेरी कर रहा है, एनसीओबीसी में 57 टू 37, एससी में 58 टू 31, एसटी में 51 टू 21 एंड पीडब्ल्यूडी में 55 टू 17 वेरी कर रहा है। तो उसमें क्या है, आपको हाइस्ट से आपको कॉम्पोजिट स्कोर कट ऑफ दिया है जो लोएस्ट है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ आई एम इंदौर का जो था, जनरल में आपको 80-80-80 ओवरऑल 90%, ईडब्ल्यूएस में 80-80-80 सेक्शनल कट ऑफ दैट इज ओवरऑल 90, एनसीओबीसी में आपको 70-70-70 ओवरऑल 80, एससी में 55-55-55 ओवरऑल 60, एसटी में 45-45-45 ओवरऑल 50, पीडब्ल्यूडी में 45-45-45 ओवरऑल 50 है आपको पहले जो आपको स्टेज वन का कट ऑफ। इसका ऊपर बेस करके आपको एकेडमिक एक्सपीरियंस, एकेडमिक डाइवर्सिटी, उसके बाद क्या है ना, जो आपको एकेडमिक स्कोर दैट मीन हाई स्कोर इज रिक्वायर्ड फॉर क्लास 10 एंड क्लास 12, अदरवाइज यू विल बी नॉट बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू राउंड बिकॉज दैट इज द फॉरमोस्ट क्राइटेरिया ऑफ आई एम इंदौर, जो आपको हायर सेकेंडरी एंड क्लास 10th में आपको बढ़िया आपको परसेंटेज चाहिए, ग्रेजुएशन में भी बढ़िया चाहिए तभी जगह हो पाएगा। एंड एक्सपीरियंस का जोर होता है, एकेडमिक डाइवर्सिटी भी है और उसके बाद आपको जेंडर डाइवर्सिटी है, बट फॉरमोस्ट क्राइटेरिया इज दैट क्लास 10th एंड 12th का आपको परसेंटेज हाई होना चाहिए। उसके बाद देखिए कैटेगरी वाइज कॉम्पोजिट स्कोर फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग राउंड, यहाँ पर मैं जस्ट बता चुका हूँ, यहाँ पर वेरी कर रहा है कैसे करके, यहाँ पर दिखाया रहा है, फिर मैं दिखा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। पहले जो दो गो आपको रो है वो है बिफोर शॉर्ट लिस्टिंग टू द इंटरव्यू, इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया है दिस इज, एंड देन लास्ट में जो दो गो आपको रो है फाइनल ऑफर ऑफ एडमिशन के लिए आपको कितना स्कोर कट ऑफ हुआ था टोटल कॉम्पोजिट स्कोर से वही लिखा हुआ है। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है देखिए, कैटेगरी वाइज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफर्ड फॉर द फाइनल ऑफर दैट इज 897 इज जनरल दैट इज 0.80% ऑफ फॉर्म फिलअप एंड परसेंटेज ऑफ इंटरव्यू कॉल का 52%, 0.8% ऑफ द फॉर्म फिलअप सॉरी, ईडब्ल्यूएस में 98 परसेंटेज ऑफ फॉर्म फिलअप इज 1.55, परसेंटेज ऑफ इंटरव्यू कॉल इज 50, एनसीओबीसी का 581 आपको परसेंटेज ऑफ फॉर्म फिल्ड 1.88%
एंड 46.74 इज परसेंटेज ऑफ इंटरव्यू कॉल्स। एससी का है 347.265 इज परसेंटेज ऑफ फॉर्म फील्ड एंड परसेंटेज ऑफ इंटरव्यू कॉल का 42.52। एसटी का 181 टोटल ऑफर्ड एंड 5.34% इज फॉर्म फिलअप एंड 37.60% इज परसेंटेज ऑफ इंटरव्यू कॉल्स। 90 पीडब्ल्यूडी का 90 एंड परसेंटेज ऑफ फॉर्म फिल इज 11.76 एंड परसेंटेज ऑफ इंटरव्यू कॉल इज 62.50। ओके, सो दिस डाटा इज रिलेटेड टू गेट द फाइनल ऑफर ऑफ एडमिशन एंड कैटेगरी वाइज मिनिमम कैट परसेंटाइल कितना आया है देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। लास्ट में जो डाटा दे रहा है जनरल में 90.75 लास्ट में जाके आपको क्वालिफाई कर दिया। ईडब्ल्यूएस में 91.73 जाके क्वालिफाई कर दिया। एनसीओबीसी का 80.21 जाके क्वालिफाई हो गया। एससी का 65.38 जाके क्वालिफाई हो गया। एसटी का 51 में क्वालिफाई हो गया। तो देखिए जनरल में आपको 90 से लेके 99 हम लोग बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है, दैट इज 90.75 यू विल गेट ए चांस इन आई एम इंदौर। ओके, सो दिस इज द मेन थिंग। एंड यहाँ पर देखिए और एक बार मैं दिखा देता हूँ, जनरल में देखिए 90.75 में आपको जनरल में लास्ट में जाके उसको चांस मिल गया। ईडब्ल्यूएस में 91.73 में आपको चांस मिल गया। एनसीबीसी में 80.21 में चांस मिल गया। एससी में 65.38 में चांस मिल गया। एसटी में 51.9 में आपको चांस मिल गया। सो दिस इज द थिंग एंड प्लीज गो अहेड विदाउट एनी हेजिटेशन बिकॉज जो क्या है ना, जो मैं जो दिखा रहा हूँ इसको ज़रा सा फॉलो कीजिए, इसको ज़रा कोशिश कीजिए देखने के लिए, समझने के लिए कोशिश कीजिए। और कुछ प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइए लिख के मेरे को जो क्या यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है। ओके, आई विल सेंड द रिप्लाई। ओके, और नहीं तो मेरे को मेल कर सकते हो, मेल में मैं बता सकता हूँ आपको क्या है। दैट इज मेल आई डी इज mba2jinquiry@gmail.com, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज होप यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। ओके, सब्सक्राइब नहीं करने से आपको कुछ भी नहीं हो पाएगा क्योंकि आपको जो नया नया चीज़ है आपको कभी नहीं मिल पाएगा। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।